मनुष्य का धर्म सिखाए, कीचड़ से उठकर कमल बनने का धर्म सिखाए, और इस यात्रा का नाम महाभारत। महाभारत महाभारत का एक ऐसा अध्याय जो आज के लिए चिरहरण। जगत सुंदरी द्रौपदी। नमस्ते दोस्तों, मैं नीरू पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ यहाँ मातृशक्ति सम्मेलन में। यहाँ के इस बच्चों ने, मॉन्टेसरी स्कूल के बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आज की जो परफॉर्मेंस हो रही है वो द्रौपदी चीरहरण है, और द्रौपदी संवाद महाभारत हम सभी लोगों ने बहुत बार देखा होगा। बात समझने की है, किसने क्या समझा ये उसके ऊपर है। मैंने जो समझा, नारी को अपने खुद के हक के लिए बोलने का अधिकार हमको द्रौपदी संवाद सिखाता है। और दूसरी बात यह है कि नारी का अपमान करने वालों का, जिस तरह से कौरवों का विध्वंस हुआ था उसी तरह से नारी का अपमान करने वालों का होता है। जो उसकी बिना मर्जी के, बिना इच्छा के अगर उसके साथ कुछ भी गलत करता है तो उसके वंश में कोई भी नहीं रह जाता है। ये हमारा द्रौपदी संवाद महाभारत का जो द्रौपदी चीरहरण है वो हमें ये सिखाता है। बाकी अपना अपना सीखने और समझने का तरीका है। टिप्पणियाँ करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कहीं भी किसी भी युग में नारी का अपमान कहीं नहीं बर्दाश्त हुआ है। तो द्रौपदी के शादी से लेकर के वस्त्र हरण तक का संवाद बच्चों ने बहुत अच्छे से किया है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।
मिलकर कुटुंब की व्यवस्था को संभालना है और तभी समाज की रचना होती है और तभी समाज का विकास हो सकता है। स्त्री पुरुष जीवन परस्परावलंबी है, दो होते हुए भी एक चैतन्य है।